हेलो एंड वेलकम बैक अगेन ऑन गीक्स आइडिया। आज 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। मेडिटेरेनियन सी में एक केमिकल लीक हुआ है जिसकी वजह से ऑरेंज ब्राउन केमिकल 6 सेक्टर्स ऑफ नेशनल रिकॉग्नाइज्ड मैरीन लाइफ को कवर किया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से ऑयल स्पिल्स कभी हो जाते हैं, कभी कोई केमिकल लीक हो जाता है शिप्स में से। तो इस टाइम एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसमें से कुछ केमिकल्स लीकेज हुए तो ये मेडिटेरेनियन सी में फैला हुआ है जिसका कलर ऑरेंज ब्राउन था। मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्री की कोस्ट लाइन है यहाँ पे उनके नाम है अल्बेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, हर्जेगोविना, साइप्रस, इजिप्ट वगैरह, ये आप पढ़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन कंट्रीज में से कौन सी कोस्ट लाइन टच करता है, कौन सी नहीं करती है। मेडिटेरेनियन सी में एक स्विज कनाल है जो कनेक्ट करती है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, और ये जो स्विज कनाल है इट सपोर्ट्स 8% ऑफ वर्ल्ड शिपिंग। नासा का एक मिशन है ओस्ट्रोस मिशन, जिसकी वजह से क्या होगा, द मिशन इज टू स्पेंड 3 वीक्स ऑब्जर्विंग एयर करंट्स अबाउट द कॉन्टिनेंट। ये कब किया जाएगा, 2023 में। इस मिशन के तहत एक फुटबॉल स्टेडियम साइज बलून इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर सेंड किया जाएगा, एक बलून सेंड किया जाएगा जिसके ऊपर कैमरा वगैरह होंगे और टेलीस्कोप वगैरह होंगे जिसकी वजह से ये एयर करंट्स ऑब्जर्व किए जाएंगे। इसका साइज हो गया एक फुटबॉल स्टेडियम के जैसा। ओस्ट्रोस क्या है, इट इज एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ। द मिशन इज ऑपरेटेड बाय जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ऑफ नासा। राजस्थान गवर्नमेंट सेटअप करने जा रही है एक प्लाज्मा बैंक, कहाँ पे, जयपुर में। ये स्टेट का, राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। इंडिया में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे बना है, दिल्ली में। ये नेशनल प्लाज्मा बैंक है, लेकिन जो राजस्थान में बनेगा वो खाली स्टेट का है। सेकंड नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक कहाँ पे बनेगा, वो है तमिलनाडु में। कहाँ कहाँ पे प्लाज्मा बैंक की खोले जाएंगे, दिल्ली के बाद केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उड़ीसा ने, और महाराष्ट्र ने बोला है कि हम कहाँ पे खोलेंगे, मालगांव और धारावी में। ICICI Lombard ने इन पार्टनरशिप विद फोन पे लॉन्च हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट अंडर इट इज ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी एसएचएन बेस्ड ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये याद रखना है, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट किसने लॉन्च किया, ICICI Lombard ने विद फोन पे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राइफेड जो ऑपरेट कर रही है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स साइंड एन एग्रीमेंट विद IIT दिल्ली टू इम्प्लीमेंट उन्नत भारत अभियान। एग्रीमेंट जो साइन हुआ है ये फॉर ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए हुआ है, वर्किंग अंडर वंदन प्रोग्राम ऑफ ट्राइफेड टू एक्सेस 2600+ रिसर्च वर्क्स ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ उन्नत भारत अभियान। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन रिसर्च वगैरह करते हैं तो उनसे रिलेटेड है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सके। IIT ट्राइफेड पार्टनरशिप विल आल्सो रिसीव हेल्प फ्रॉम विभा मूवमेंट। विभा क्या है, विज्ञाना भारती साइंस मूवमेंट, जिसकी वजह से साइंस से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हो उनसे रिलेटेड अवेयरनेस दी जाती है लोगों को। उन्नत भारत अभियान इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, ये जो उन्नत भारत अभियान है ये किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। द प्रोग्राम एम्स टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 5 विलेजेस। PM मोदी लॉन्च करने जा रहे हैं 3 न्यू हाई थ्रू पुट लैब्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च करने जा रहे हैं नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम फ्रॉम इंदिरा पर्यावरण भवन इन न्यू दिल्ली एज अनदर स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया मूवमेंट। द पायलट प्रोजेक्ट विल बी फंक्शनल इन मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। नेवी में लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लॉन्च इंस्टॉल किया गया, कहां पे, इंडियन नेवल एकेडमी इजमाला केरला में। ये किसने किया है, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड, कौन, अनिल कुमार चावला। In accordance with special bulletin on maritime mortality in Indian 2016 to 2018, यानी कि इंडियन मोर्टैलिटी रेट कम हो गई है, इसके रिलेटेड जो रिपोर्ट निकाला गया है वो किसने निकाला, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। मैटरनल मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन टू 113 इन 2016-18 फ्रॉम 112 इन 2015-17।
2015-17 में 122 थी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अब ये डिक्लाइन होके आ गई है 113 पे। निर्मला सीतारमण ने इन्फॉर्म किया है कि अभी तक 8767 करोड़ अप्रूव किए गए हैं फॉर 81 प्रोजेक्ट्स अंडर स्पेशल विंडो अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड वन, जिसका फुल ये शॉर्टकट है स्वामी। द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स विल एनेबल द कंप्लीशन ऑफ ऑलमोस्ट 60,000 होम्स अक्रॉस इंडिया। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड बन गया है इंडिया का पहला पोर्ट और ग्लोबली सेवंथ टू साइन अप साइंस साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव साइन करने के बाद कंपनी इस पोर्ट को ये ध्यान में रखना है कि जो ग्लोबल इमिशन है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करना है, उसके बारे में ध्यान रखना है। स्प्रिंग प्रोजेक्ट एक है, ये क्या है, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। इसके अंडर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाना है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर फ्लोइंग इनटू रिवर गंगा एंड गोदावरी। ये स्प्रिंग प्रोजेक्ट कौन फंड कर रहा है? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद यूरोपियन यूनियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। WHO अलॉन्ग विद अदर बॉडीज हैज लॉन्च COVID-19 लॉ लैब। ये COVID-19 लॉ लैब क्या है? इसमें डेटाबेस है ऑफ लॉज, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज ने COVID-19 से रिलेटेड बहुत सारे लॉज बनाए, इस कोविड लॉ लैब में वही सारे लॉज हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड ने एग्री किया है टू पार्टनर टूवर्ड्स ग्रीन रिकवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन रिकवरी किससे रिलेटेड है? कभी कभी पूछे जाते हैं, आपको लगेगा ग्रीन रिकवरी शायद प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन ये प्लांट से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू हेल्प हैंड्स फॉर पीपल हु आर फेसिंग द हार्श इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक। उन लोगों की मदद करना जो COVID-19 की वजह से प्रॉब्लम्स में है, उन्हीं के लिए ग्रीन रिकवरी फॉर COVID-19 है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्ट का नाम याद रखना है, रिपोर्ट ऑफ द कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर दीपक बी पाठक। रिपोर्ट का नाम याद रखना है और चेयरमैन का नाम याद रखना है। फर्स्ट एडिशन ऑफ टू डेज लॉन्ग वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट वर्चुअली हो गई है, विच वॉज ऑर्गेनाइज बाई पेटीएम काउंसिल ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एट नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस फेस्ट का थीम क्या था? फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड। इस फेस्ट पे कुछ चीज़ें लॉन्च की गई है, रुपे कमर्शियल कार्ड नेम्ड SBM एन कैश रुपे बिजनेस कार्ड लॉन्च किया गया, और एक क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नाम है ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क OECN प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म, मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म, www.restartindia.com। ये किन के लिए है? MSME सेक्टर के लिए। इट वॉज इनिशिएटेड ज्वाइंटली बाई मुथूट फिनकॉप एंड इक्टॉक्स टू सपोर्ट MSME सेक्टर टू रिस्टार्ट द बिजनेस अक्रॉस द नेशन। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपॉइंट किया है मिस्टर पार्था प्रतिम सेन गुप्ता एज न्यू MD एंड CEO। इसकी टेन्योर कब तक है? 31 दिसंबर 2022। मिस्टर साहिल सेठ को अपॉइंट किया गया है एज ऑनररी एडवाइजर फॉर द ब्रिक्स CCI। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। CCI क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द पीरियड 2020 टू 2030, यानी कि 10 सालों के लिए। एक बुक जिसका नाम है द एंड गेम, इसका ऑथर है हुसैन जैदी। पाई अप्रोक्सीमेशन डे कब मनाया जाता है? जुलाई 22 को। वेटरियन उड़िया एक्टर विजय मोहंती की देहांत हो गई है। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, आपका लाइक और शेयर करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।